नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी कौन है और आप देख रहे हैं धन्यवाद भारत। धन्यवाद भारत की पूरी टीम आज पहुंची है हम स्टूडियो दिल्ली में और मुलाकात हो गया है यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े ही सुप्रसिद्ध और बड़े ही सजग और समृद्धशाली गीतकार राइटर राकेश जी से। तो आइए आज इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि अब तक की जर्नी इनकी कैसी रही। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं धन्यवाद भारत में, कैसे हैं राकेश जी? बढ़िया है, और जितने भी आपके धन्यवाद भारत देख रहे हैं दर्शक, सबको मेरा प्रणाम है। अच्छा राइटर राकेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि चंपारण के धरती से भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आना? चंपारण के धरती से मैं कलाकार हूँ, गाना लिखता हूँ, तो इस लाइन में आना ही राइटिंग शुरू हो गया। अच्छा राकेश जी, आप मतलब गाना लिखने के लिए आए थे कि इस इंडस्ट्री में गीतकार गायक वगैरह बनने के लिए आए? नहीं, दिल्ली में तो मैं आया तो गाना ही रिकॉर्डिंग कराने आया। जी जी, सत्येंद्र जी एक सिंगर है, उनका रिकॉर्डिंग कराने आया था। जी जी। अच्छा आज आप मतलब इतने बड़े बड़े गायकों का गाना लिख चुके हैं, कई सारे सैकड़ों गाने हिट दे चुके हैं, उसके बावजूद अब लगता है कि नहीं कि आपको भी गाना चाहिए? गाने का तो अभी शौक नहीं है, गाने का गाना लिख रहे हैं उसी में आगे बढ़ना, उसी में आगे। अच्छा जब यहाँ पे आए तो एक गाना की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही थी, मोमबत्ती, क्या कुछ है ये गाना मतलब? जी, मोमबत्ती गाना रिकॉर्ड हुआ है चंदन जंसल जी के आवाज में। अच्छा अच्छा। और इसके संगीत विराज जी दिए गए और गाना आपका छोटा भाई डॉक्टर राकेश जी का लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये गाना बहुत अच्छा तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, बड़ा लेवल का ये शूटिंग भी होगा इस गाने का। जी जी। और ऑडियो कम्प्लीट हो चुका है, वीडियो बाकी। हाँ, वीडियो बाकी है, और ये गाना संभवतः चंदन चंचल इंटरटेनमेंट चैनल से आएगा। जी, उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत कुछ याद मिलेगा। अच्छा राकेश जी, आपसे एक सवाल ये भी रहेगी, ठीक है, कि अब तक किन किन गायकों को लिख चुके हैं और कौन कौन से गाने ब्लॉकबस्टर हिट बजवा चुके हैं लिखे हुए? ये बात तो आप खुद जानते हैं कि लेकिन दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो दर्शक को मैं बता दूं कि गाना मेरा चंदन चंचल जी का भी बहुत सारा गाना है, नीरज निराला जी का, और देश प्रेमी धनंजय धड़कन ससुराल, तमाम कलाकार के आवाज में गाना आ चुका है और प्यार भी मिला है बहुत दर्शकों का। अच्छा राकेश जी, इतना सारा गाना लिखने के बाद भी, ठीक है, जो लोग आपको नहीं जानते हैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से जरूर जान जाएंगे कि ही है राइटर राकेश जी। नाम तो बहुत लोग जानते हैं, ठीक ना, लेकिन जो लोग आज आपको देखेंगे उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आज बाबा के चैनल पे इंटरव्यू हो रहा है और सभी दर्शकों का प्यार भी मिलता है और आगे भी मिलेगा, और मेरा गाना जो भी आ रहा है आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। जी, चंदन जी आपका पहला हिट गाना कौन सा था? मेरा पहला गाना अवधेश जी का था, सैड सॉन्ग था, दिल लगा के जान पाई छोड़ सुना दीजिए। जी जी। उसके बाद हलावत का कॉल है, उसके बाद बहुत सारा गाना है, बहुत सारा, मिठू मरसो के आवाज में बहुत सारा गाना है। जी जी। अच्छा जैसे कि मतलब अब तो हर गायक आपका गाना गाना चाहता है या फिर किसी भी गायक के पास आपका गाना चला जाता है वो इग्नोर नहीं करता है, ठीक है, उसको सीरियस लेके उसको सुनता है, फिर गाता भी है, बनाता भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि जब आप गीत आप किसी गायक के पास लेके गए उसने इग्नोर कर दिया, आपका मनोबल छोटा हो गया, ऐसा कभी आपके साथ घटना घटित हुआ है कि नहीं? देखिए, जब इस लाइन में हम नहीं थे तो हमारे घर के पास एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें मैं टीचर था, और कुछ समय से भी मैं गाना लिख रहा था, तो गाना लिख रहा था, बहुत सारा गाना मैं कॉलेज को भेजा था, उस समय बाई पोस्ट गाना मैं लिख कर भेजा हूँ, टाइपिंग करा कर भेजा हूँ, चुनमुन चौबे जी से जब बात होती थी तो वो बोलते थे भैया टाइपिंग करा के गाना भेजे, उस समय बहुत कोशिश किया हूँ गाना, उसके बाद उधर से गाना सेलेक्ट हो जाता था बट पता नहीं कैसे फंस जाता था, रिप्लाई नहीं आता, फंस जाता था गाना, उसके बाद में फिर दिल्ली आया, रिकॉर्ड हुआ गाना बहुत सारा, उसके बाद कल्लू जी को लिखे हैं इसका मतलब गाना? गाना लिख के दिए थे शुरू शुरू में जब मैं टीचर था। जी जी। और आया कि नहीं, गाया कि नहीं? नहीं आया नहीं। तो कल्लू जी अगर आप देख रहे होंगे तो आज ये है राइटर राकेश जी, और अच्छा खासा नाम है, बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, जो गाने आपको बाई पोस्ट इन्होंने भेजा है उस गीत में से कम एक आध को गाइए। उस समय ऑडियो का जमाना था। अच्छा, वो गीत तो आप दूसरे किसी को गवा दिए होंगे अब? हाँ, गाना तो गवा दिए। हाँ। इंतजार नहीं किया ना, वो ये होता है गीतकार, गीतकार मेहनत करता है, अब समझ जाइए आप नहीं गाइए दूसरा कोई गा देगा। एक सिंगर गए थे अवधेश जी, गए थे। अच्छा अवधेश जी गए थे। आपके नजर में बढ़िया सिंगर कौन है, सबसे बढ़िया सिंगर?
भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं फिर भी कोई, हाँ पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सब पवन सिंह, पवन सिंह को अच्छा सिंगर मानते हैं। अच्छा, लेकिन दिल के करीब किसके रखते हैं, जो आपके दिल का करीब हो? सब कोई मेरे दिल के करीब, सब कोई दिल के करीब है। डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। सबके दिल में हम भी रहना चाहते हैं। सबके दिल में आप भी रहना चाहते हैं। जय राइट राकेश जी, कभी मतलब आपने ये मतलब कोशिश किया कि नहीं कि मेरे भी गाने मतलब पवन सिंह तक पहुंचे या फिर खेसारी जी तक पहुंचे या फिर और भी अन्य स्टार तक पहुंचे? हाथी को चढ़ने को किसको मन नहीं करता, सबको मन करता है। इसमें मतलब हाथी किसको मानते हैं? पवन सिंह। पवन सिंह को हाथी मानते हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि कौन नहीं चाहता है कि हम पवन सिंह से गाना गाएं। जी प्रयास किए, सब राइटर चाहते हैं, सब कोई चाहता है। जी जी, तो क्या मतलब अभी तक परिचय वगैरह हो पाया कि नहीं, पहुंच पाया कि नहीं गाना वगैरह? कोशिश है, समय अगर, तो हो जाएगा। जी जी, अगर पवन भैया की टीम से भी अगर कोई व्यक्ति देख रहे हैं तो राइटर राकेश जी का गाना आप लोगों को गाना चाहिए, अगर मिले तो जरूर इनसे भी गाना लीजिए। अच्छा, खेसारी जी के साथ आपका गाना आने वाला है, बड़ा चर्चा है, सुनने में आ रहा है। अभी आने वाला कुछ कह नहीं सकते हैं। जी जी, मतलब सैड सॉन्ग गया है। सैड सॉन्ग गया, क्या होता है? जी जी, वो ये है चंपारण के धरती से राइटर राकेश जी, जिन्होंने तमाम सारे गाने लिखे हैं, धनंजय धड़कन, अधीश प्रेमी, मिट्टू, मार्शल, शशि लाल जी, चंदन चंचल, नीरज निराला, और भी अगर नाम छूट जाए तो सॉरी, ठीक है, और भी बड़े बड़े नाम हैं कई सारे, ठीक है ना, इनको ये गाना अब तक लिख चुके हैं, ठीक ना। पवन सिंह जी को भी लिखना चाहते हैं, ठीक ना, पवन सिंह को बहुत अच्छा गायक मानते हैं। खेसारी जी के लिए सेट सॉन्ग इनका गया हुआ है, ठीक है, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना है कि ऐसे ही शानदार शानदार अच्छे अच्छे गीत लिखते रहें और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राइटर राकेश जी, धन्यवाद आपके साथ जुड़ने के लिए। श्रोता को फिर से प्रणाम है, नमस्कार, थैंक यू।